इस वीडियो में हम नए जो इंटरनेशनल वेबसाइट है उस पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नए वॉलंटियर को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम किस तरह से वॉलेट ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं, ये दो तीन पॉइंट और डैशबोर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक आईडी और पासवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा, इसके माध्यम से लॉगिन किया KBC40 वेबसाइट पर। ये देखिए, ये हेमंत कुमार राय जी का पहला पेज खुल गया है, डैशबोर्ड खुल गया है। यहाँ क्राउड वॉलेट में 900 रुपये, डायरेक्ट सेल 2, माई डाउनलाइन 7, ये 3 दिख रहा है। ये एक्चुअल में शॉर्टकट मीनू भी है, ये बहुत प्यारी वेबसाइट है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे क्राउड वॉलेट खुल जाएगा डायरेक्टली, आपको अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऊपर जो लोगो दिया हुआ है KBC40 लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे तो वापस आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। अब यहाँ पर जहाँ नाम लिखा है हेमंत राय जी का, यहाँ बगल में एक छोटा सा बटन है, इसे यदि आप क्लिक करेंगे तो माय प्रोफाइल KBC सिक्योरिटी लॉगिन हिस्ट्री, मतलब कितनी बार अभी तक आपकी वेबसाइट खोली गई है आपके द्वारा किसी अन्य के द्वारा, उसकी भी डिटेल पूरी मिल जाएगी। हेल्प डेस्क और यहीं पर लॉगआउट बटन है और पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन भी है। तो जब हमारा काम ख़त्म हो जाए तो हमने लॉगआउट हमेशा करना है। अब ये ऊपर राइट साइड में जो चक्र बना हुआ है, ये बैक ऑफिस मेनू के लिए शॉर्टकट की है, इसे हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने इसे क्लिक किया, ये देखिए बैक ऑफिस मेनू खुल गया। ऊपर लीगल बटन है पहला, फिर माय अकाउंट बटन है, लीगल में सर्टिफिकेट वगैरह है, माय अकाउंट बटन में आपके डिटेल है अकाउंट की पूरी, क्रिएट वॉलेंटियर, ये हमारे काम का बिंदु है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, ऑटो फिलिंग ज्वाइनिंग फॉर्म और क्रिएट आईडी। हमने ऑटो फिलिंग ज्वाइनिंग फॉर्म को यूज़ नहीं करना है, क्रिएट आईडी वाले बटन को हम जैसे ही क्लिक करते हैं, ये देखिए हेमंत कुमार राय जी की ट्री खुल गई है। यहाँ पे इनके लेफ्ट राइट सब कंप्लीट हो गया है और इनके हेमंत कुमार राय जी के इधर एक खाली ये ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पर एक वो दिख रहा है ऑप्शन। यदि हमें किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराना है तो हम खाली जगह पर ही कर सकते हैं, और यदि हमें लेफ्ट में करना है और नीचे जाना है तो ये जो चेहरा है संजीव कुमार मोदी जी का, हम इसको क्लिक करेंगे तो इसके नीचे की ट्री खुल जाएगी। फिर इसको क्लिक करेंगे और नीचे जाना है तो उसको क्लिक करेंगे तो और नीचे की ट्री खुल जाएगी। अब यदि हमें यहाँ किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो खाली ब्लैंक जो है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। सबसे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है वॉलेट टाइप, स्पॉन्सर आईडी में वो आईडी दी हुई है जिस आईडी को खोलकर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी अभी हेमंत कुमार राय जी की आईडी। वॉलेट टाइप में आपको 3 वॉलेट ऑप्शन मिल रहा है, शक्ति, मेन वॉलेट और गिफ्ट वॉलेट। जिस भी वॉलेट में आपके फंड है 1000 रुपये, उस वॉलेट को क्लिक करें, आप सेलेक्ट करें, ज़रूरी है। तो हमने शक्ति वॉलेट को सपोज सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ हमें पूरा नाम लिखना है, हमने ABCD कोई भी नाम जो हमें लिखना है वो लिखा, फिर जेंडर में मेल या फीमेल हमने वो क्लिक करना है, कंट्री जिस कंट्री में, अब चूंकि ये इंटरनेशनल हो गई है इसलिए हम जिस कंट्री के पर्सन की कर रहे हैं उस कंट्री कोड को हमें चाहिए। इसके लिए सॉफ्टवेयर मेंशन है, हर एक कंट्री का इंटरनेशनल कोड हमें पता नहीं है। हमने इंडिया पे क्लिक किया तो ये देखिए नीचे मोबाइल नंबर में +91 जो इंडिया का इंटरनेशनल ISD कोड है वो आ गया। अब इसके आगे हमने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखना है, जैसे मैंने ऐसे ही ये 10 डिजिट कर दिया। ईमेल आईडी लिखना ज़रूरी है, ध्यान रखिए जिन जिन उसमें स्टार लगा हुआ है वो ऑप्शन हमें भरना कंपलसरी है। उसके बाद स्टेट में स्टेट सेलेक्ट करनी है, सपोज़ मैंने छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर दिया या फिर मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में जितनी सिटी होंगी ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं भी आ रहा है तो अदर ऑप्शन में जाकर हम अपनी सिटी का नाम लिख सकते हैं। जैसे नहीं आई हमारी सिटी तो हमने अदर को क्लिक किया और यहाँ अपनी सिटी का नाम ABCD जो भी है वो लिख दिया। इस सॉफ्टवेयर में पासवर्ड ऑटो जनरेट होता है इसलिए हमें पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। कूपन कोड अभी एक्सेप्टेबल नहीं है इसलिए उसे छोड़ दीजिए। आई एक्सेप्ट टर्म और कंडीशन, ये राइट है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और देन जब हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमने जो डिटेल भरी है वो हमें प्रीव्यू में आ जाएगा। यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो हम बैक में जाकर फिर से उसे करेक्ट कर लें। और इसके बाद हमने जब कन्फर्म है कि हमने जो भरा है वो ही लिखा हुआ है तो रजिस्टर बटन दबाएंगे तो उस प्लेस पर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। इसके बाद वॉलेट दिया हुआ है क्रिएट वॉलेंटियर के नीचे, शक्ति वॉलेट। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रिक्वेस्ट फॉर शक्ति वॉलेट, यदि कंपनी से आप डायरेक्ट मंगाना चाहते हैं तो ये भविष्य में, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, फ्यूचर में हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से वॉलेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अभी आपको सीनियर की मदद लेना है। फिर शक्ति वॉलेट आपने कितनी बार मंगाया उसका हिस्ट्री का यहाँ पर रिकॉर्ड रहेगा। शक्ति वॉलेट स्टेटमेंट, इसमें आप
कब का वॉलेट आया, आपने उसका क्या यूज़ किया, ये पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन रहेगी किस डेट से किस डेट तक का। यहाँ से आप इस काम को कर सकते हैं। और उसके बाद चौथा ऑप्शन है शक्ति वॉलेट ट्रांसफ़र। हमें अपनी टीम में किसी को वॉलेट भेजना है तो यहाँ पर इसके माध्यम से हम वॉलेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमने सबसे पहले कलेक्ट करना है शक्ति को, फिर जिस आईडी पे हमें भेजना है KBC01234567 वो आईडी पूरी लिखनी होगी हमें, कितना अमाउंट भेजना है 1000 से लेकर 5000 तक, 100 से लेकर 5000 तक वो अमाउंट लिखना है। फिर रिमार्क में आप फंड लिख दीजिए या कुछ और लिख दीजिए, अभी इसका इतना ज़्यादा वो नहीं है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा, उस OTP के लिए नया बॉक्स खुल जाएगा और नया बॉक्स खुलने पर आप उस OTP को लिख देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन ए फंड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। धन्यवाद।